और इस बीच आपको बता दें कि रूस में विद्रोह के वो 12 घंटे जिसमें दुनिया के कई मुल्कों ने अलग अलग प्लान बना लिए। रूस के गृह युद्ध में फंसने की संभावनाओं ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की को भी मौका दिया कि वो एक तरफ तो बखमूत के अलावा पूर्वी और दक्षिणी यूक्रेन के तमाम इलाकों में अपने हमलों को तेज करें और तेज करने के बाद जल्दी से आगे बढ़ जाएं। और दूसरी तरफ उन्होंने ये भी एक तरीके से मौका मिला कि एक बार फिर यूरोप की रक्षा की दुहाई देकर वो पश्चिमी मुल्कों से और ज्यादा हथियारों की डिमांड कर पाए। प्रिगोजिन मॉस्को के करीब अपनी सेना लेकर पहुंच चुका था। प्रिगोजिन की सेना में रूस की सेना के जवान शामिल होने लगे थे। प्रिगोजिन के कब्जे में पुतिन के दो बड़े सैन्य ठिकाने थे। प्रिगोजिन के जबरदस्त एक्शन से क्रेमलिन के पसीने छूटने लगे थे। विद्रोह के बाद प्रिगोजिन का पलड़ा लगातार भारी था। फिर भी वैगनर ग्रुप के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन ने एक फोन कॉल के बाद पीछे हटने का फैसला ले लिया। इतना ही नहीं, मॉस्को में लगे प्रिगोजिन के पोस्टर उतरने लगे। वो पोस्टर जिसमें उन्होंने अपनी प्राइवेट आर्मी में भर्तियां करने का इश्तिहार दिया था। बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको के साथ फोन पर क्या बात हुई, किस वजह से प्रिगोजिन ने हथियार डाल दिए, ये रहस्य है। लेकिन जो शर्तें सामने आई हैं वो भी हैरान करने वाली हैं, क्योंकि ये शर्तें इशारा कर रही हैं कि विद्रोह करने की गुस्ताखी करने वाले येवगेनी प्रिगोजिन को अपने ही देश से बेदखल कर दिया गया है और बेलारूस भेज दिया गया है। वैगनर चीफ को विद्रोह की सजा, प्रिगोजिन अपने ही देश से बेदखल, घर का संकट खत्म, अब यूक्रेन में बरसेंगे बम। वैगनर के भाड़े के सैनिक पूर्वी यूक्रेन में जबरदस्त जंग लड़ रहे थे। उनके आगे पश्चिम से मिली ताकत के बावजूद यूक्रेन की सेना टिक नहीं पा रही थी और धीरे धीरे प्रिगोजिन की सेना सोलेदार से लेकर बखमूत तक कब्जा करती जा रही थी। लेकिन जैसे ही रूस के रक्षा मंत्रालय के साथ वैगनर चीफ येवगेनी प्रिगोजिन का विवाद बहुत ज्यादा बढ़ गया और वैगनर कैंप पर कथित तौर पर रूसी मिसाइल से हमले किए गए, प्रिगोजिन ने अपने सभी 25,000 सैनिकों को पूर्वी यूक्रेन के मोर्चे से हटा लिया और रूस की राजधानी मॉस्को की तरफ मार्च करने लगे। जाहिर है पूर्वी यूक्रेन में रूस का मोर्चा कमजोर हो गया और इसका फायदा उठाने के लिए आगे आई यूक्रेन की फौज। कीव से लेकर वॉशिंगटन तक, वॉर्सोवा से लेकर लंदन तक, यह अंदाजा लगाया जाने लगा कि अब तो रूस खुद गृह युद्ध में फंस गया है। वैगनर चीफ के साथ क्रेमलिन की कुछ घंटों की जंग ने यूक्रेन को मौका दिया और वो बखमूत में और आगे बढ़ने लगे। ज़ेलेंस्की ने तो यहां तक ऐलान कर दिया कि उनके पास पुख्ता जानकारी है कि पुतिन मॉस्को छोड़कर भाग गए हैं और क्रेमलिन दहशत के साए में जी रहा है। точно зможе захистити Європу від будь-яких російських сил, неважливо, хто ними командує. Ми захистимо. Безпека східного флангу Європи тримається лише на нашій обороні. І саме тому кожен прояв підтримки наш. ज़ाहिर है ज़ेलेंस्की को लगा था कि अब रूस अपने घर में ही एक अलग ही जंग में मशरूफ हो गया है और ये अच्छा मौका है जब वो अपनी जवाबी कार्रवाई के ऑपरेशन को और तेज करके पूर्वी और दक्षिण यूक्रेन से रूस की सेना को खदेड़ सके। ऐसा होने भी लगा, यूक्रेन का हमला तेज हो गया था, लेकिन ज़ेलेंस्की ने इस नई घटना के साथ पूरे यूरोप को चेताना शुरू कर दिया और इसकी बुनियाद पर एक बार फिर पश्चिमी मुल्क से लंबी दूरी तक हमला करने वाले हथियारों की डिमांड करने लगे। Українські воїни, українські гармати, українські танки, українські ракети – це все те, що захищає Європу від таких марш-бросків, як сьогодні ми бачимо на російській території. Коли ми звертаємось по F-16 або Атакамс, ми розвиваємо наш спільний захист.
यूक्रेन को F-16 देने पर अमेरिका राजी हो गया है। इसके लिए गठबंधन ठीक उसी तरह से तैयार किया जा रहा है जैसे टैंक देने के लिए तैयार किया गया था, और यूक्रेन में अत्याधुनिक टैंक पहुंचने जिनकी मदद से जेलेंस्की पूर्वी और दक्षिण यूक्रेन में जवाबी कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा अमेरिका ने पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम भेजकर यह भी जाहिर कर दिया है कि यूक्रेन को अब अमेरिका लंबी दूरी तक हमला करने वाले हथियार दे सकता है। इसी के लिए रूस ने विद्रोह को बुनियाद बनाकर जेलेंस्की दबाव बना रहे हैं ताकि उन्हें ATACMS के लिए भी व्हाइट हाउस से रजामंदी मिल जाए और रूस के खिलाफ उनका मोर्चा और ज्यादा मजबूत हो जाए। लेकिन उससे पहले ही पुतिन विद्रोह को शांत करने में कामयाब हो चुके हैं। वैगनर ग्रुप का विद्रोह खत्म हुआ। वैगनर चीफ प्रिगोजिन जाएंगे बेलारूस। क्रेमलिन का वैगनर ग्रुप के साथ समझौता। क्या वैगनर के लड़ाके रूस की सेना में शामिल होंगे? क्या वैगनर चीफ कभी भी रूस वापस नहीं लौटेंगे? क्या प्रिगोजिन से प्राइवेट आर्मी छीन ली गई है? क्या वैगनर के लड़ाके अब युद्ध में नहीं उतरेंगे? वैगनर चीफ के साथ किस तरह का समझौता हुआ है और क्यों येवगेनी प्रिगोजिन को देश निकाला दे दिया गया, यह रहस्य बना हुआ है और इस रहस्य के साए में अब यूक्रेन की जंग की आगे की तस्वीर फिलहाल तय नहीं है। लेकिन अभी भी जेलेंस्की के पास अगले 24 घंटे का मौका है जब वे पूर्वी यूक्रेन में अपने हमलों को तेज करके ज्यादा से ज्यादा इलाकों पर फिर से कब्जा जमा सकें।